हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, एंड्रॉयड 12 की न्यूज़ आ गई है और इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको ये कब मिलेगा, सब बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मई के महीने में जो गूगल का आईओ होने वाला है, वहाँ पर गूगल ने प्लान किया है एंड्रॉयड 12 को ऑफिशियली अनाउंस करने का, और उसके बाद हम जैसे यूजर्स को ये अपडेट मिल जाएगा लगभग अक्टूबर या सितंबर के महीने में। बट उसके रिलीज होने से पहले हमको कुछ उसके इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में पता चला है, तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज लेके आते रहते हैं। और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं टेक्निकल एके ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहला फीचर जो एंड्रॉइड 12 में हमको देखने को मिलेगा वो है डबल टैप एक्शन का। दोस्तों, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोई फीचर आईफोन में पहले आ गया हो और एंड्रॉयड में बाद में आया हो। दोस्तों, ये फीचर वैसा ही है। आईफोन में ये फीचर पहले से है कि आप डबल टैप करके अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो एंड्रॉयड में उसी का थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्शन सेट कर सकते हो कि आपको क्या करना है डबल टैप पे, तो वो आपका फ़ोन डबल टैप करने से वो कर देगा। जैसे कि आप चाहते हो कि वो स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आप चाहते हो कैमरा खुल जाए, या फिर फोटो क्लिक हो जाए, या फिर चाहते हो कि आप किसी ऐप में जाना है, तो आप डबल टैप करके आप वो कर सकते हो। दोस्तों, जो दूसरा फीचर एंड्रॉयड 12 में आने वाला है वो ऐप पेयरिंग का है। ये फीचर पहले से एंड्रॉयड में था, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती थी, बट अभी ऐसा नहीं होगा। ये फीचर आपको एंड्रॉयड में नेटिवली सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोल्डेबल फोन्स मार्केट में बहुत तेजी से आने वाले हैं, तो ये फीचर जो है वो फोल्डेबल फोन्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। फोल्डेबल फोन्स में दो बड़ी स्क्रीन होती है और दोनों ही स्क्रीन पे आप दो अलग अलग ऐप बड़ी ही आसानी से यूज कर पाओगे। दोस्तों, जो तीसरा अपडेट हमको एंड्रॉयड 12 में मिलने वाला है वो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा। ये बेसिकली एंड्रॉयड अपडेट के लिए ही है कि आपको नया अपडेट कैसे मिलेगा। दोस्तों, अभी जैसे होता है कि कोई भी अगर नया अपडेट एंड्रॉयड लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले गूगल पिक्सल को वो अपडेट मिलता है, उसके बाद दूसरे फोन्स को, और धीरे धीरे सबको मिलते जाता है। तो इस प्रोसेस में कभी कभी एक साल डेढ़ साल लग जाता है सभी फोन्स को वो अपडेट देने के लिए। तो अभी इस एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा। गूगल क्या करेगा कि जो एंड्रॉयड का अपडेट है वो प्ले स्टोर पे सिंपली रोल आउट कर देगा, और आप वहां से जाके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सभी फोन्स को गूगल एक साथ ही सारे अपडेट्स रोल आउट कर देगा, तो है ना ये इंटरेस्टिंग फीचर। दोस्तों, जो चौथा अपडेट हमको पता चला है एंड्रॉयड 12 के बारे में वो है थीमिंग सिस्टम का। अभी क्या होता है कि हमारे फोन में दो ही थीम्स हमको देखने को मिलता है, एक डार्क मोड और एक लाइट मोड। मतलब एक आपका बैकग्राउंड व्हाइट रहता है और एक में आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो ये जो नया अपडेट आने वाला है इसमें आपको अपने हिसाब से कलर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे ग्रे, ब्लू, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद है आप वैसा बैकग्राउंड या फिर थीम चूज कर सकते हैं। दोस्तों, जो पांचवा अपडेट हमको पता चला है एंड्रॉइड 12 के बारे में वो है ऐप हाइबरनेट का। ये फीचर क्या है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप कोई ऐप नहीं यूज कर रहे हैं बट वो बैकग्राउंड में खुला हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आपके फोन में जो बैटरी होती है वो कंज्यूम होती रहती है, रैम कंज्यूम होता रहता है, और आपके फोन की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। तो ऐप हाइबरनेट की मदद से क्या होगा कि जो आप ऐप यूज नहीं कर रहे हो बड़े ही लंबे टाइम से, लेकिन वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, वो एंड्रॉयड उसको किल कर देगा, और उसकी मदद से आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बचेगी, फ़ोन आपका कम हीट होगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी, और आपका फ़ोन एकदम फास्ट हो जाएगा। दोस्तों, छठवां अपडेट जो हमको एंड्रॉयड 12 के बारे में पता चला है वो है स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का। दोस्तों, अभी क्या होता है कि अगर आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपका फ़ोन का जो स्क्रीन साइज होता है उतना ही बड़ा आप स्क्रीनशॉट ले पाते हो, लेकिन एंड्रॉयड 12 में जो अपडेट हमको मिलेगा उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे कि अपने फ़ोन को हम स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले पाएंगे जितना बड़ा हमको स्क्रीनशॉट चाहिए। दोस्तों, सातवां और आखिरी फीचर जो हमको पता चला है एंड्रॉयड 12 के बारे में वो है वायरगार्ड VPN। दोस्तों, VPN तो हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं अलग से, लेकिन वो क्या होता है कि कुछ कुछ वेबसाइट में वो काम करता है, कुछ कुछ वेबसाइट में वो काम नहीं करता। तो अभी एंड्रॉयड 12 के अपडेट में हमको नेटिवली सपोर्टेड VPN हमको देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हो जैसे चाइना में,
तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स बैन है जो कि इंडिया में चलती हैं बट वहां पे नहीं चलती है। तो आप वहां पे सिंपली इंडिया का सर्वर कनेक्ट करके इंडिया की सारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। ये वायरगार्ड वीपीएन आपको अपने एंड्रॉयड में नेटिवली इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो बस इतना था इस वाली वीडियो में। आप इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके फ़ोन में अभी कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इंस्टॉल्ड है और आपको क्या लगता है कि एंड्रॉयड 12 का क्या नाम होगा। ये किसी चॉकलेट के नाम पे होगा या फिर किसी और खाने के नाम पे होगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।